दोस्तों ये मोटर है, ये चल नहीं रहा है, ये भी वाइब्रेट कर रहे थे, आप सुन सकते हैं ये वाइब्रेट हो रहा है। तो ये हम क्या करेंगे, ये पंखड़ी है, इसको हिला देंगे इस तरह से, देखना ये हिल नहीं रहा है, टाइट है, खोलना पड़ेगा थोड़ा। इसके हम ये चार पेंच है, ये खोल लेंगे। इसका पेंच नीचे भी है दोस्तों, एक पेंच यहाँ पे है ये, लेकिन ये फिक्स किया हुआ है, खुल नहीं पाएगा। हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे जो हेड है इसका, इस पर हल्का सा चोर मारते हैं इस तरह से, और पंखुड़ी को घुमा देते हैं पीछे से। देखो मेरा दोस्तों, इसको खोना ही पड़ेगा, इसके जो चार पेंच है ये हमें खोने पड़ेंगे, नट बोल्ट टू किचन बोल्ट खोने पड़ेंगे। इसे हम ये अपना रिंग जो स्पिनर है इसे खोल लेंगे। इस तरह से हम ये चारों पेंच खोल लेंगे, ये नट बोल्ट खोल लेंगे इसके। दोस्तों हमने इसको खोल लिया है, अब ये जो पेंच है इसको भी खोल लेते हैं यहाँ पे। इसे हम यहाँ पे खोल लेते हैं इस पेंच को भी। ये ढक्कन निकालते हैं दोस्तों, ये टाइट है, इसको हम घुमाते हैं, नहीं घूम रहा है तो हम इसको, ये देखो दोस्तों ये घूम चुका है, ये देखिए। तो मैं चालू करने वाला हूँ यहाँ से, देखो देखो ये चल चुका है, ऐसे वापस बंद कर देते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आपका पानी मोटर कम उठाता है तो आप जो आपका इनलेट है इसे खोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कचरा जाता है इसलिए। और दूसरा ये भी समझ हो सकता है कि जो पॉइंट अपना इनलेट यहाँ पे वो फुटबॉल लगा हुआ है वहाँ पे उसे कचरा आ सकता है, तो उसको चेक कर सकते हैं, या यहाँ से एयर ले सकते हैं जहाँ पे जॉइंट अच्छा ना होता हो तो वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं इस तरह से। दोस्तों अब ये एकदम छोटा सा प्रॉब्लम था, तो आप अगर आपको जानकारी होगी तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं, अगर नहीं होगी तो आपको परेशान होना पड़ सकता है। दोस्तों वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।